नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत राठ के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो होगी बहुत ही खास, क्योंकि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके कमेंट मैंने पढ़े कि सर वीडियो आराम से बनाइए, समझ नहीं आता है, वॉइस दीजिए और अच्छे से समझाए। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और वीडियो बहुत लंबी है, आप करीबन 1 घंटे की वीडियो है, तो आपको लगेगा बोरिंग लगेगा, पर जिनको इंटरेस्ट है और जिनको सीखना है वो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखेंगे। अगर वीडियो लंबी है तो अभी टाइम नहीं है तो मत देखिए, जब टाइम होगा आपके पास तब इसको पूरा देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो कैसी लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है और इसमें A4 साइज़ पे मैं बनाऊंगा, उसको रोटेट करूंगा लैंडस्केप के थ्रू, और उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ोटो को Ctrl+T दबा के अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। और बाद में उसको, अभी बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो उसको पेंट टूल से कट करूँगा। ये थोड़ा मैंने स्पीड में लगा दिया है ताकि आपका टाइम बचे और समझे। कटिंग तो आपको सबको आती है, जस्ट दिखाने के लिए कि थोड़ा स्पीड लगाया है। आप जब भी कटिंग करोगे तो पेंट टूल से ही कट करना, वो अच्छे से हो जाता है। पेंट टूल के ऊपर मैं और एक ट्यूटोरियल लाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि पेंट टूल से अच्छे से कैसे कट कर सकते हैं, कर्व वगैरह होता है उसको कैसे स्मूथली कर्व करके कटिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, इसको सिलेक्शन हो गया, 2% फेदर दे दिया है, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और उसका Ctrl+J करके डुप्लीकेट लेयर बना दिया है। अभी उसका थोड़ा कलर करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए ये कर्व के थ्रू हम कलर करेक्शन करेंगे। ऑटो फिल पे जाके उस पर ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप देख लीजिए, तो थोड़ा फोटो का जो टोन है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और मर्ज कर लिया, अभी Ctrl+L दबा के लेवल के थ्रू हम उसको एडजस्ट करेंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, मिड टोन वगैरह, रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल पे एडजस्टमेंट किया है। फ़ोटो को ट्राई किया है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब नॉर्मल फ़ोटो रखने के लिए। ओरिजिनल फ़ोटो पे थोड़ा रेड टोन था, तो आप भी पूरा आफ्टर देख सकते हैं कि ऐसा किया है। ओके, अभी फ़ोटो के फेस के ऊपर कोई टोन नहीं, अभी उसको सैचुरेशन कर दिया, तो हालांकि रेड बढ़ेगा ही फेस पे है पर वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, ठीक है, अपना सिलेक्टिव कलर में जाके अपना अब थोड़ा एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो हर एक फोटो का अलग अलग हो जाएगा। अभी पेंट टूल से जो स्किन का पार्ट है वो अलग करना है, तो इसको भी थोड़ा स्पीड दूंगा। Ctrl+2% फेदर, Ctrl+J दबाएंगे तो उतना जितना पार्ट सिलेक्ट किया है वो न्यू लेयर पे आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने फोटो को कट करके लिया है, थोड़ा बेसिक कलर करेक्शन कर दिया है फेस का, और उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर कलर अप्लाई। इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, इसका एक डुप्लीकेट फ़ोटो निकाल के रखूँगा और बैकअप के लिए, कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको डिलीट करके हम ओरिजिनल फोटो ले सकते हैं। इसका ग्रुप करके लेते हैं ताकि ज़्यादा लेयर ना दिखे। इसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करके उसको Ctrl पकड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाजू का सिलेक्शन आ जाएगा, आप देखेंगे। और उसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट की है, उसका ब्लेंडिंग मोड कलर करता हूँ, और उसके बाद अपना ब्रश लेके सॉफ्ट ब्रश लिया है, आप देखेंगे ये सॉफ्ट वाला बेसिक सॉफ्ट राउंड ब्रश जो डिफॉल्ट वाले होते हैं। तो अभी क्या करूँगा, कलर अप्लाई करना है, और वो कैसे कलर अप्लाई करना है कि एक साइड में थोड़ा सा डिफरेंट और एक साइड में थोड़ा डिफरेंट करना है, वो इसलिए करना है थोड़ा फेस पे वेरिएशन भी दिखे, फोटो कलरफुल भी दिखे, अच्छा दिखे। अगर अभी कौन सा कलर कहाँ पे इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ
कि जो ग्रीन कलर है वो हाईलाइट पे मैं इस्तेमाल करूँगा, और पर्पल कलर है वो ये साइड में जहाँ थोड़ा डार्क है इसके अपोजिट, यहाँ पे अप्लाई करूँगा और बालों में थोड़ा सा वेरिएशन दूंगा, बाकी ज़्यादा डिस्को टाइप नहीं करना है। तो सिलेक्शन तो हो गया है, इसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कलर कलर लिया है, और अब देख सकते हैं कौन सा ग्रीन कलर, थोड़ा कम ज़्यादा भी चल जाता है, सिर्फ ग्रीन रखो पोपटी टाइप। और मैं थोड़ा ओपेसिटी कम करके यहाँ पे अप्लाई करूँगा, एकदम धब्बा ना लगे इसलिए। ओके, और ये जहाँ जहाँ लाइट आ रही है मैं उस लाइट पे थोड़ा वो कलर डाल रहा हूँ, ओपेसिटी मैंने कम करके रखी है ताकि वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें कलर। ओके, इसके बाद पर्पल कलर इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि वो ज़्यादा ना लगे। और अगर ये साइड से लाइट आती है तो यहाँ भी थोड़ी दिखेगी लाइट। ओके, ज़्यादा लग रहा है तो मैं और फिर से उसका ओपेसिटी कम करके, क्योंकि अगर डार्कनेस ज़्यादा होती है तो वो कलर ज़्यादा उभर के दिखते हैं। ओके, और गालों पे हल्का हल्का पिंक में अप्लाई करूंगा ताकि वो थोड़ा सा ग्लो लगे। होंठ भी रेड है और ठीक है, थोड़ा बेसिक कलर अप्लाई कर दिया है। और अभी क्या है, इसको और थोड़ा ब्राइट करते हैं, थोड़ा सा फेस को। शर्ट अलग लेयर पे लिया है, और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो शर्ट का भी वो ब्राइट हो जाएगा, तो ये डिटेल निकल जाएगी, इसलिए मैंने स्किन को ही ये कर दिया है। इधर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इरेजर टूल से वो हल्का हल्का रिमूव कर दूंगा, ज़्यादा धब्बा धब्बा सॉफ्ट लाइट लगे इस तरह से। और मैं अभी इसका थोड़ा और इसको थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा कि जो डिटेल है वो एक्सपोज ना हो जाए, जैसे कि अभी देखो डिटेल सब गायब हो गई, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि फोटो ब्राइट दिखे और कोई डिटेल भी नहीं निकले इस हिसाब से। अभी ठीक है, थोड़ा ब्राइट हो गया, बाद में इसका अगर कम ज़्यादा लगे तो उसका एडजस्ट कर लेंगे। और जो कलर की ये लेयर है और उसके नीचे वाली लेयर का थोड़ा, मतलब ओरिजिनल फोटो है उसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि फोटो थोड़ा कलरफुल लगे। ओके, पर जब सेचुरेशन बढ़ाता है तो उसके साथ रेड टोन ज़्यादा बढ़ता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल बी दबा के थोड़ा रेड टोन कम कर देता हूँ। ओके, थोड़ा हल्का ताकि वो ये लगे। अभी बेसिक थोड़ा हल्का फुल्का हमारा कलर करेक्शन हो गया है, अभी चाहे तो हम उसको बाद ये क्या इसको नाम देता हो तो कलर कलर अप्लाई कर दिया, और एक लेयर लेता हो जिसमें क्या हाईलाइट ऐड कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट ऐड करेंगे और एक न्यू लेयर लेते हैं, और उसमें ये ऐड कर सकते हैं, डिटेल ऐड कर सकते हैं, कुछ मिसिंग डिटेल है, आर्टिफिशियल डिटेल क्रिएट करना है तो उस पर करेंगे डिटेल। इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, देखिए कलर का एक लेयर, हाईलाइट का लेयर और डिटेल का एक लेयर, उस तरह से मैं काम करता हूँ। अभी हाईलाइट कहाँ पे डालना है, ऑलरेडी दिख ही रहा है कि नाक पे है, गाल पे है, माथे पे है, जो हाईलाइट है ऑलरेडी है, पर अगर उसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो वो ग्लॉसी लगने लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी एकदम कम करूँगा, थोड़ा सा हार्ड ब्रश लेके जिसका एजेस थोड़ा हार्ड है ताकि वो थोड़ा ये लगे शार्प लगे इसलिए, और ओपेसिटी करीबन 10-15 के आसपास रख के उसके ऊपर थोड़ा ये करूँगा। ये हम डायरेक्ट हाईलाइट भी बढ़ा सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू,
पर वो क्या होता है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ के भी वो हाईलाइट बढ़ जाता है जो नहीं चाहिए, तो हम मैन्युअली जितना चाहिए उतना अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो सॉरी, इसमें कलर जो है वो वाइट लेके यहाँ नाक पे है, फिर थोड़ा और ऐड कर दिया, यहाँ थोड़ा ऐड कर दिया। अभी आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं पर उसका इम्पेक्ट आता है अच्छा सा बाद में, ओके। वो स्मजिंग करते हैं ना तब उस टाइप पे, उस टाइम ये थोड़ा ग्लॉसी दिखाने के लिए हम करेंगे। और अभी मैं ज़्यादा भी नहीं करूँगा क्योंकि वो अगर बिगड़ गया तो ज़्यादा लगने लगेगा तो पूरा बिगड़ जाता है, इसलिए अभी इसमें कलर ऐड कर दिया, ये इसमें हाईलाइट ऐड कर दिया। अभी डिटेल में क्या करेंगे, सॉफ्ट ब्रश लेके जो आउटलाइन है, आउटलाइन उसको हम ड्रॉ करेंगे, ताकि फोटो तो ऑलरेडी ब्लर था, मैं रेनिमी ऐप में उसको शार्प करके लिया है, पर फिर भी अगर उसमें हम थोड़ा डिटेल ऐड करते हैं तो और थोड़ा वो शार्प लगने लगता है। और कहाँ की डिटेल करनी है, नाक के बाजू की, आंखों की, ये वो, ओके। ये नाक के बाजू की यहाँ पे है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर पास आपके पास फोटो आता है और उसमें कोई डिटेल मिसिंग होती है तो उसमें ऐसे आप ऐड करो। डार्क चॉकलेटी कलर ले लो, कहीं पे भी डार्क कलर पिक कर दो, सिर्फ काला मत पिक करो, वो अच्छा नहीं दिखता है। अब डिटेल तो है इसमें, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, एक कलर लेयर पे यहाँ पे थोड़ा ये लग रहा है, ब्लू लग रहा है, यहाँ पे लाइट तो आ रही है और ये साइड में ब्लू है तो ये नहीं होगा। और वैसे भी जहाँ पे दाढ़ी का पोर्शन होता है वहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश कलर आप ऐड करोगे और दाढ़ी नहीं भी रहेगी तो वो अच्छा दिखेगा, एकदम फ्लैट फ्लैट नहीं दिखेगा, ओके। इतना हो गया हमारा एक थोड़ा बेसिक कलर करेक्शन, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको ये सभी का मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा, अपना सब सिलेक्ट करके उसका कंट्रोल जे करूँगा, सबका कॉपी निकलेगा, कंट्रोल ई करूँगा तो इतने जो है उसका एक कॉपी निकल गया है। इसको अब क्या करूँगा, सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना के लूँगा ताकि ज़्यादा लेयर ना इधर दिखे और ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए अभी मैं स्मज टूल सेलेक्ट करके हार्ड ब्रश, हार्ड मतलब सॉफ्ट ही ये ब्रश, वो सिलेक्ट करके 30% मैंने रखा है और वो फिक्स नहीं है, आप कम ज़्यादा फोटो के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अभी मैंने 30 रखा है और अभी क्या करूँगा, जो स्किन का टेक्सचर है वो मैं ट्राई करूँगा निकालने की कोशिश करूँगा विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स। क्या मस्त इंग्लिश बोला मैं, ट्राई क्या करना है, जो हाईलाइट है उसको किसी भी डिटेल को ये नहीं करना है, मतलब ब्लर नहीं करना है, सिर्फ वो स्किन का टेक्सचर निकाल देना है और जो डिटेल है उसको बड़ा करना है, मतलब ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाना है जो डिटेल है ना। अभी कई दोस्त है वो क्या करते हैं, फोटो को ब्लर कर देते हैं, और डिजिटल पेंटिंग है भाई, तो स्किन का टेक्सचर निकल देंगे तो हमारा फोटो बिगड़ेगा नहीं। कई बार क्या होता है, हम स्मज करते 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 फोटो पूरा का पूरा बदल जाता है, तो वो फोटो बदल गया तो करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाद में बदला हुआ फोटो कितना भी अच्छा हो, वो अगर आदमी चेंज हुआ है तो वो करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे से भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होता है, मेरे से भी वो गलती हो जाती है, बदल जाता है। आवेश में आके मैं स्पीड में जब काम करता हूँ ओरिजिनल को देखता नहीं और एंडिंग में पता चलता है थोड़ा 19-20 हो गया है, तो फिर से करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, स्मजिंग जो है वो बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग है और मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा स्पीड में करूँगा।
सीखना है तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा इसको। क्या है, अभी मैं इसको स्पीड में नहीं करूँगा, आपको भी किधर जाना है देख लो, सीखना ही है। जो सीखने वाले हैं वो देखेंगे, बोर नहीं होंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। 10 घंटे का भी किया ना वीडियो तो भी वो देखेंगे। मैं पहले क्या सोचता था, बोर ना हो जाए और इससे वो सब्सक्राइबर बोर होके वीडियो छोड़ के दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। तो अगर जिसको सीखना है ना तो वो बोर नहीं होगा, उसको और मज़ा आएगा, वो बोलेंगे और 2 घंटे का एक्स्ट्रा बनाओ, तो मैं आराम से बनाऊंगा, स्पीड वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा इसको, ना एडिटिंग में ना ऐसे, आराम से करूंगा और ऐसे ही देखो ताकि और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, स्किन का टेक्सचर निकाल दिया है और जो डिटेल है, अभी यहाँ पे हाईलाइट की डिटेल है, यहाँ पे हाईलाइट की डिटेल है, तो मैं उसको सिर्फ दिखाया है हाईलाइट, मिड टोन और शाडो को सिर्फ सेपरेट सेपरेट करके दिखाएंगे तो वो अच्छा हो जाता है। ओके, हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट ढूंढना होता है कि जिसको शार्प कर सके, नहीं तो क्या होता है हमारा फोटो एकदम ब्लर दिखने लगता है। अभी देखो यहाँ पे जो है गालों पे खली पड़ती है, मराठी में तो बोलते हैं गालावर खली, तो यहाँ पे मैंने एक बाजू थोड़ा डार्क रखा है, एक बाजू शार्प रखा है और जो बीच की लाइन है उसको मैंने शार्प करने की कोशिश की है, तो ओवरऑल फोटो जो है इसकी वजह से पूरा शार्पनेस आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जानबूझ के वो निकाल दो, अगर है तो उसको निकाल दो, क्या दिक्कत है। और आप देखेंगे तो मैंने ब्लर तो कर रहा हूँ, पर ब्लर क्या है, सॉफ्ट कर रहा हूँ, ब्लर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, स्किन का टेक्चर निकाल के एक, अगर उसको स्किन का टेक्चर निकाल दिया तो वो क्या होता है, एक टाइप से पेंट का वो फील आने लगता है, जैसे लगता है कि ब्लेंड किया पेंट ये करके उसको ब्लेंड कर दिया है। तो इसी तरह से ये टाइम, ये वीडियो को बहुत लंबी हो गई, पर कोई बात नहीं, आप उसको पूरा देखिए तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरूर नहीं कि मैं ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसे करो, एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो, अपना स्टाइल, अपना ये उसमें सिग्नेचर लाने की कोशिश करो, क्योंकि क्या है हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है आर्ट में। जैसे कि अभी मुझे थोड़ा सा कलरफुल वाला वर्क पसंद है और उसमें ज़्यादा मैं पैच वर्क नहीं क्रिएट करता, और हमारे महाराष्ट्र में या ऐसा ज़्यादा डिस्को टाइप या पैच टाइप पेंटिंग टाइप चलता नहीं, तो मैं पहले करता था ज़्यादा पैच क्रिएट करके उनको देता था, तो वो जो जो आर्टिस्ट है उसी को ज़्यादा आर्ट टाइप वर्क अच्छा लगता है, जो ऑर्डनरी पर्सन है उनको इतना अच्छा नहीं लगता यार, ये क्या बना के रखा है, वो धब्बे धब्बे धब्बे, उनका मेरा गाल तो क्लीन है, आपने कितने पैच डाले, ऐसे बोलते हैं, तो मैं भी वो छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी अभी बिजनेस पर्पज ही करता हूँ सब, तो कस्टमर हमें पसंद है उस हिसाब से हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क चलता है और कस्टमर भी एक्सेप्ट करता है, वो भी वो खुश है, तो हमें काम करने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो पसंद है हमारे सिग्नेचर सिग्नेचर स्टाइल छोड़ के कस्टमर के हिसाब से बनाए, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, मैं भी वैसा ही रखता हूँ। मुझे गंदी आदत क्या है, इधर का थोड़ा कर दिया, 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 पूरा मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ और ऐसा लगता है सभी अभी का अभी खत्म कर लूं। और अगर ज्यादा ब्लर लग रहा है तो इसका स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा के कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
आप देखेंगे फोटो ब्लर नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी डिटेल है जो छोटी 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 डिटेल है वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और जो भी डिटेल है जहाँ पे वो मैं शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी तरह से। अभी बालों का पोर्शन है, मैं अभी का अभी मिटाऊंगा नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दूंगा, बाद में देखते हैं उसका क्या करना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके साथ क्या सलूक किया जाए। इतना हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, बाकी और शार्पनेस के लिए हम और डिटेल क्रिएट करेंगे, सब देखते जाओ वो क्या हो रहा है। अभी आप तर्क करेंगे तो ये तो हुआ है नहीं, इंस्टेंट तो ये नहीं होगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, देखने में इंस्टेंट मज़ा आता है अरे अच्छा बना है, पर बनाने में बहुत मशक्कत का काम है। अभी इधर क्या है, थोड़ा सा वो दाढ़ी का पोर्शन है तो उसको मैं ये नहीं करूँगा, मैं 3 डॉट वाले ब्रश से इसको स्मज करूँगा, पर देखा कैसा बना है। अभी क्या है, जो डिटेलिंग का पार्ट है ये मैं सॉफ्ट ब्रश से नहीं करूँगा, थोड़ा अपना हार्ड ब्रश से नहीं करूँगा, सॉफ्ट ब्रश से करूँगा ताकि डिटेल और अच्छे से हो सके, जितना हो सकता है ये इस ब्रश से करेंगे, बाकी का जो है थोड़ा ब्रश चेंज करके ले सकते हैं। मैं ब्रश ही चेंज कर दिया और ज़रा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है। आप एक्सपेरिमेंट करो कि ज़रूरी नहीं कि मेरा जो वैल्यू है और जो ब्रश है वो आप पे इस पे काम आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो भी थोड़ा मैटर करता है। अगर मेरा पीसी ऐसे काम में लोड लेता है तो मैं थोड़ा ब्रश चेंज करके लेता हूँ, पर आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो आप क्या करो उस हिसाब से बनाओ, एक्सपेरिमेंट करते रहो। ये फोटो मैं जो भी सिखा रहा हूँ ना, तो उसे एज इट इज़ कभी मत करने की कोशिश करो, डायरेक्ट सिर्फ देखो वो कर क्या रहा है। और आप सोचेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह क्यों नहीं बताता है, ब्रश सेटिंग क्यों नहीं बताता है, तो वही रीज़न है कि मेरे इसमें जो काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में भी वो एग्जैक्ट वही काम करेगा और उतना ही काम करेगा, मेरा स्टाइल अलग है, सिर्फ देख के आइडिया लगाओ कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाकी आप आपका एसेंस डाल के उसमें आपके हिसाब से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ट्राई करो करने की, क्योंकि हर किसी को अलग अलग टाइप का वर्क पसंद है। अभी मुझे कलरफुल वाला वर्क पसंद है और थोड़ा डिसेंट वर्क पसंद है, तो ज़रूरी नहीं आपको भी ऐसा ही पसंद हो। मैं नहीं चाहता कि मैं जैसा कर रहा हूँ वो स्टाइल आपके ऊपर थोपू, आप अपनी स्टाइल क्रिएट करो और कस्टमर को दे दो। किसी को डिसेंट एक दो टोन में वर्क पसंद आता है, किसी को ज़्यादा पैच वाला वर्क पसंद आता है, तो आपके हिसाब से बनाने की कोशिश करो। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, चाहे अभी भी इसी को ज़्यादा डिटेल ज़्यादा पैच क्रिएट कर दिया तो वो अलग स्टाइल बन जाएगा। अभी जूम करके इतना काम करना पड़ता है, तभी वो जाके जूम आउट करने के बाद वो पूरा फोटो जो है एकदम शार्प दिखने लगेगा।
नहीं तो क्या करते हैं कई लोग कि जूम आउट करके ऐसा रखेंगे और आंखों पे काम करेंगे, तो क्या काम कर पाएंगे और कितना काम कर पाएंगे। अभी इस यहाँ पे यह हो रहा है कि स्किन को खाली सॉफ्ट करने की कोशिश चल रही है, बाकी जो डिटेलिंग का पार्ट है जैसे ये नाक के बाजू की, वो थोड़ा थोड़ा मैं क्रिएट करूँगा ताकि फोटो शार्प भी लगे सॉफ्ट भी लगे, ऐसा ना लगे कि वो क्या प्रशांत ब्लर करके दिया है। इससे अच्छा तो ओरिजिनल फोटो अच्छा था, शार्प थी है तो था। DSLR का निकलते ना तब ये दिक्कत हो जाती है कि हम समझ करते 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 फोटो को ब्लर कर देते हैं और कस्टमर बोलता है क्या तुमने बना दिया, ओरिजिनल फोटो तो कितना शार्प था, तुमने उसको और ब्लर कर दिया। तो ध्यान रखना है कि वो चीज़ को थोड़ी शार्पनेस भी आई है और इसी तरह से तो ज्यादा शार्प नहीं चाहिए, तो उसका हार्डनेस जितना बढ़ाएंगे ना तो उतना वो शार्प लगने लगेगा फोटो। यहाँ पे जो हाईलाइट की लाइन है वो अगर उसको शार्प कर दिया तो वो और मज़ा आ सकता है, क्योंकि डार्कनेस और मतलब डार्क और लाइट को अगर कॉम्बिनेशन रखेंगे ना तो वो फोटो एकदम शार्प लगने लगता है और लगता है कि हाँ काम किया है बहुत। अभी एग्जैक्ट आप देखेंगे, मैं इसका जो फोटो का जो लिंक है ओरिजिनल फोटो जैसा मैं फोटो बना रहा हूँ ना, तो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको डाउनलोड करके वीडियो देख के देख के देख के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देख के देख के देख के मैं क्या कर रहा हूँ, उतना पॉज करो, देखो पॉज करो और उतना करने की कोशिश करो। कई बार हो जाता है रिकॉर्डिंग तो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे जब कॉर्नर आते हैं ना उस टाइम पे ध्यान रखो कि उसका ये करना है, एक साइड में थोड़ा डार्क रहे एक साइड में लाइट रहे तो वो शार्पनेस दिखने लगता है। आप समझ से कितना शार्प करते वो मैटर नहीं करता है, एक साइड में कितना डार्क लाइट है उससे वो मैटर करने लगता है। ओके, अभी आप देखेंगे जो दांत है वो एकदम पीले पीले बन गए, तो उसको कैसे रिमूव करना है, एक न्यू लेयर लेके उसका ब्लेंडिंग मोड कलर करके व्हाइट कलर लेके कोई भी सॉफ्ट ब्रश से उसका थोड़ा अपने हिसाब से एकदम व्हाइट भी नहीं करना है, थोड़ा वो रहना चाहिए पीलापन, प्योर व्हाइट किसी के दांत होते नहीं है। तो अभी दांत तो व्हाइट हो गए पर इधर का आंखों का जो पार्ट है आप देखेंगे तो वो फीका फीका लग रहा है, उतना ब्राइट नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट तो ब्रश से वह थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई करूँगा ताकि वो लगे व्हाइट पार्ट है इसमें। ओके, अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है पर उसमें बाद में देख लेंगे उसका क्या करना है। और भी इसके ओटो का स्मज करना है और दांत को भी स्मज करना है। अभी देखोगे तो यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ हाईलाइट है, तो उसको मैं न्याय देना है, न्याय। हाईलाइट है तो उसको उसके साथ ब्लेंड नहीं करना है, उसको शार्प उसको दिखाना है कि हाँ यहाँ पे हाईलाइट है। कई लोग क्या कर देते हैं, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना लाइट है हमें पता है कि वहाँ पे हाईलाइट है पर स्मज करते टाइम वो निकल जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा उसको कलर पिकर से कलर पिक करूँगा, उसका थोड़ा लाइट कलर लेके अल्ट प्रेस करूँगा तो वहाँ पे वो कलर आ जाएगा, वहाँ से हम अच्छा दिखा सकते हैं उसको। ओके,
तो वो शार्पनेस आ जाएगा। ऐसा करो, यहाँ पे भी है तो उसी का मैं क्या करूँगा, कलर पिक करूँगा पहले वो, और उसी को थोड़ा लाइट पिक करके वहाँ पे वो कर दूँगा, तो वो लाइट दिखेगा अच्छे से और शार्पनेस भी आएगा। नहीं तो खाली उसको गुलगुलित करूँ का फायदा नहीं। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे, और इसको भी थोड़ा, यहाँ ये डार्कनेस है तो उसको ऐसा रख के यहाँ पे लाइट लग रहा है, तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करूँगा, थोड़ा सा उसको वेरिएशन देने के लिए ये पिक करके इसको ऐसा करूँगा। आ गया स्वाद? सॉफ्ट ब्रश से कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा एजेस नहीं दिखेंगे, और वैसा ही रखना है हमें। और अभी ठीक है, दांतों को समझ कर दिया, पर अभी उस पे जो हाईलाइट है वो निकल गया, तो मैं फिर से कलर, वाइट कलर पिक करके वहाँ पे थोड़ा ऐसा हाईलाइट ऐड करूँगा ताकि वो दांत थोड़ा ग्लॉसी लगे। ओके, अच्छा दिख रहा है ना? अभी यहाँ पे भी थोड़ा जो लाइट है वो कम है, जब याद आ रहा है दिख रहा है तो भी तभी का तभी करके रखना है, नहीं तो क्या होगा, वो बाद में तो भूल भी जाएंगे और याद नहीं आएगा तो रह जाएगा वैसा का वैसा। अभी जो मैंने वहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे भी हम थोड़ा लाइट ऐड कर सकते हैं, अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे पिक करूँगा, इसका थोड़ा लाइट कलर लूँगा और डायरेक्ट ब्रश से करूँगा, समझ करते होने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ब्रश से उधर का लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगा। ओके, और यहाँ पे भी थोड़ा लाइट है वो दिखना चाहिए। अभी स्मजिंग में इधर का स्मज करते हैं क्योंकि ब्लर नहीं होना चाहिए, जितनी शार्पनेस दे सकते हैं वो जो सरफेस एरिया है, जैसे कि ये उसको सॉफ्ट कर दिया, और जो डिटेलिंग का पार्ट है उसको जूम करके, जितना जूम करके कर सकते हैं उतना कीजिए।
मेन जो खेलना पड़ता है ये यहीं पे है कि वो डार्क लाइट पे वो जितना अच्छा खेलेंगे। उतना वो अच्छा दिखने लगता है। जूम करके काम करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम जाता है। और जो बिगनर्स है वो जब सीखने वाले, उनको क्या लगता है 10-15 मिनट में सब अच्छा से हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। शर्ट को जो है हम स्मज नहीं करेंगे, क्योंकि बस स्मज करेंगे तो उसमें जो चौकन चौकन डिजाइन है वो निकल जाएगा और तो मतलब नहीं रहेगा। मतलब क्या साबित करना है स्मज करके, तो उसमें क्या करूँगा, जो नॉइज़ तो है उसमें, उसके लिए मैं उसमें हल्का सा नॉइज़ का वो फिल्टर मार दूंगा, ताकि वो जो गंदगी है उसमें छोटा छोटा डॉट वगैरह वो निकल जाए। मेन जो फोकस है वो फेस फेस पे रहेगा। अभी आँखों का जो पार्ट है वो डल डल है और वो ठीक से नहीं है, अलग अलग कलर भी मिक्स हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा उसको ब्लैक कलर से ड्रॉ ही करूँगा। उसको खेलते क्यों कब तक बैठना है, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा ना। ठीक है ना, अभी ये टोटल फ्लैट हो गए, उसमें हाईलाइट डालना है। और हाईलाइट कहाँ पे है और कितना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फोटो को एक बार देखेंगे कि यहाँ है ठीक है, मतलब एक डॉट यहाँ वाइट कलर लिखें, एक डॉट यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों सेम ही होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ का जो है ये हो गया, ब्लर हो गए, तो मैं ओपेसिटी कम करके थोड़ा अभी इसका बचा है कान,
एक बार आप नेट पे कान कैसा होता है एक बार देख लेंगे। अभी तो ये कान का डिटेल अच्छा दिख रहा है, उसको समझ अच्छे से कर सकते हैं, पर एक बार नेट पे कान का डिटेल देख लोगे एग्जैक्ट वो कैसा होता है, इधर वॉइस टाइप होता है और वो कैसा ड्राइंग कैसा होता है वो देख लो। अगर किसी फोटो में अगर कान का डिटेल मिसिंग है तो आप ड्रॉ करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सीख गया, मुझे आता है वो। तो वो समझ करने में भी वो आसानी हो जाती है, अगर हमें पता है ना वो कैसा है डिटेल, तो वो समझ करने में भी आसानी हो जाती है। तो सिलेक्शन चालू रखो ताकि वो समझिंग बाहर ना जाए। यहाँ पे भी हाईलाइट मिसिंग है, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पर मैं बाद में बढ़ाऊंगा। अभी बढ़ा देता हूँ, कल करी सो आज करी, आज करी सो अभी करी, जहां जहां लाइट दिख रही ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है। कलर पिक करके थोड़ा ब्राइट अभी फेस है वो थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कम है। पर्पल नाक पे वगैरह वो नहीं है, तो ये बाजू भी थोड़ी इसमें ये दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। ठीक है, बाद में कलर करेक्शन करेंगे, अभी वो मेन जो अभी है वो स्मजिंग चल रहा है। अभी जो बारी है वो हेयर की है, तो अभी क्या करेंगे, थ्री डॉट वाला ब्रश लेके उसके सब हेयर को स्मज करेंगे। स्ट्रेंथ में थोड़ी बढ़ा देता हूँ और उसके बाद अंदर बाहर थोड़ा करेंगे तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे सिर्फ बाहर बाहर नहीं करना है, तो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए, स्मज भी हो जाए, वो उसके पीछे का मकसद रहेगा।
ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस इतना ये पोर्शन आपको बोर ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको स्पीड बढ़ा दूंगा बाद में। तो हमने इतना किया है और इसके बाद जो है देखेंगे कि फोटो फिर भी हमें ब्लर दिख रहा है और उतना कंट्रास्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप हियर है उससे पता चलेगा आपको कि वो डार्क नहीं है हियर। इसलिए हमें क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा डार्क करेंगे ताकि अपने फोटो को कंट्रास्ट मिले। पहले मैं एकदम कट टू कट नहीं लूंगा, रफली उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये मूंछों का हो गया, ये आईब्रो का हो गया, ये साइड की आईब्रो, और साथ ही साथ में उसमें ये हेयर। इसको एक 5% फेदर देता हूँ ताकि वो एजेस है वो सॉफ्ट लगे। इसको नए लेयर पे लेता हूँ, उसके लिए मैं कंट्रोल जे बटन दबाया तो वो उतना पार्ट जितना सिलेक्ट किया था नए लेयर पे आ गया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी पूरा काला नहीं करूँगा, उसको क्या करूँगा थोड़ा जो है उसका डार्क पार्ट को और डार्क करूँगा। इसके लिए मैं सिलेक्टिव कलर में गया, या आप इधर से भी जा सकते हैं इमेज में जाके सिलेक्टिव कलर, और उसको ब्लैक सिलेक्ट करके उसको मैं डार्क कर दिया है। अब देखेंगे ये वाइट ये डार्क, तो एकदम पूरा प्रॉपर डार्क नहीं करूँगा, थोड़ा रहने देता हूँ। और उसके बाद अभी देखेंगे तो फोटो को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, ठीक है। देखेंगे आप हेयर डार्क हो चुके हैं। ओके, इसके बाद
इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल के रखता हूँ ताकि हमारे कुछ बाद में इसमें मिस्टेक हो गया तो उसमें ओरिजिनल रहे। इसमें हाईलाइट की और कमी है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं खास करके यहाँ पे, और फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है ये ब्लर है तो उसके लिए शार्प करने के लिए मैं कुछ पार्ट है एक नया लेयर क्रिएट करके थोड़ा शार्प करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट कर दिया है, उसको 4% फेदर देके ब्रश लेके सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट करके कोई भी यही का एक कलर पिक करता हूँ और उसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और बाद में उसमें ऐसे कर देता हूँ ताकि वो एजे से वो शार्प दिखे। और कहाँ पे, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी एकदम ये लग रहा है। इसको भी 4% फेदर देता हूँ और ब्रश सिलेक्ट करके भी डार्क कलर पिक करने से अच्छा है कि इसी का एक डार्क कलर इधर का पिक करता हूँ और जो एज है उस एज पे फेदर थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो इसी का थोड़ा डार्क पूरा नहीं करना है, सिर्फ वो शार्पनेस दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसी का थोड़ा डार्क कलर पिक करके और का कलर पिक करके थोड़ा डार्क करके एकदम शार्प हो गया। थोड़ा फेदर देना पड़ेगा, 4% फेदर ठीक है। इतना जो है इसके साथ मर्ज कर देता हूं। सेम तरीके से हाईलाइट भी करना है। डार्क पार्ट सामने क्या किया था, कलर सेलेक्ट करके उसका डार्क किया था, अभी उल्टा करते हैं। हाईलाइट के लिए कलर सेलेक्ट करके उसको व्हाइट करना है, ब्राइट करना है और उस पे इसके बाद जो है यहाँ के जो बाल है इसी को छोटे वाले ब्रश से क्रिएट करता हूँ, समझ करना है उसको।
ठीक है, इतना हो गया। कहीं कहीं पे रह गया है वो हम बाद में वो फिनिशिंग करेंगे एंडिंग में। इतना होने के बाद हम इसमें कहीं कहीं जो नॉइज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं और फाइन कर सकते हैं। वो तो मैं एंडिंग में करूँगा, पर फिलहाल अभी डिटेलिंग का है वो कर रहा हूँ। ओके, इसके लिए मैंने सुटेबल एक बैकग्राउंड बना के रखा है और ये है बैकग्राउंड। अभी ये कैसे बनाना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड बनाना है। जस्ट कलर अप्लाई करने हैं और उसको बाद में थोड़ा थोड़ा स्मज करना है, पर कलर कौन से इस्तेमाल करने हैं और क्यों करने हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। को रखता हूँ नीचे। अच्छा, ये बैकग्राउंड अभी ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखेंगे, मैंने ये जो बैकग्राउंड है अपने फोटो के हिसाब से बना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन कलर है, इसका मतलब यहाँ से जो लाइट आने वाली है वो भी ग्रीन होनी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो वो पर्पल कलर है, तो यहाँ पे भी थोड़ा पर्पल होना चाहिए। वाइट शर्ट है तो यहाँ का भी डिसेंट होना चाहिए बैकग्राउंड, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पर्पल है तो यहाँ पे भी पर्पल है। सेम कलर अपने बॉडी पे और बैकग्राउंड पे उस डायरेक्शन में सेम रखे हैं ताकि वो मैच हो सके, ऐसा लगे कि यहाँ से ग्रीन कलर की लाइट आई और यहाँ पे ग्रीन कलर है तो मैच कर होगा प्रॉपर। ओके, और उसके बाद अभी भी देखेंगे तो क्या है, फ्लैट लग रहा है कि इतना कट करके एक बैकग्राउंड पे रख दिया ऐसा लगेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी इसके नीचे और एक लेयर लेके उसका ब्लेंडिंग मोड ल्यूमिनोसिटी करके ब्लैक कलर वहाँ पे डालूँगा। तो ल्यूमिनोसिटी से क्या होता है, उसी का डार्क कलर हो जाता है, ब्लैक कलर नहीं हो जाता है। हालांकि हमने कलर ब्लैक किया है तो उसमें डार्कनेस बढ़ जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा डेप्थ आया है, ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाइट है और उसकी शाडो जो है पीछे है, तो वो थोड़ा 3D लुक देने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इसमें देखो और इसमें देखो, थोड़ा डेप्थ आ चुका है। हालांकि मैं ज़्यादा पूरा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे भी लाइट है, तो थोड़ा वो वेरिएशन दिखाने के लिए, डेप्थ दिखाने के लिए वो कर दिया है। इसका एक ग्रुप बना के रखता हूँ। अभी बारी है उसमें हेयर क्रिएशन की, दो हेयर बनाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके जितने भी हेयर है उसको थोड़ा हम ब्लैक करेंगे, जैसे मूछों पे है उसी तरीके से। यहाँ पे मैं जहां जहां हेयर है उसको ब्लैक करूंगा। और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूंगा ताकि सिर्फ वो दिखे कि हेयर स्टाइल कैसा है। हेलो, अभी जो हेयर क्रिएशन का काम है हम थोड़े लेटेस्ट वाले फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में करेंगे क्योंकि इसमें स्मूथ होता है, इसलिए मैं कभी कभी ये इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मैं CS6 का इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली फोटो क्रिएशन करने के लिए। ओके, अभी ये नीचे वाले में आपको पता चलेगा कि हेयर स्टाइल कैसा है, उसको थोड़ा डार्क कर दिया और हम फिर से उसको हेयर स्ट्रोक देंगे। इसके लिए ब्रश सेलेक्ट कर दिया है और ये साइड में
ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पर्पल कलर अप्लाई करेंगे। ओके, मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि स्मूथ अच्छे से स्ट्रोक दे सके, क्योंकि हाथ घूमता नहीं है वैसे, इसलिए हम फोटो को ही घुमा लेते हैं। इसमें हेयर स्टाइल ऐसा है।
हाँ, तो इतना किया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो शर्ट पे है वो इफेक्ट, कलर का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया है, तो इसके लिए हम इसके ओरिजिनल फोटो के ऊपर और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, ब्लेंडिंग मोड कलर करते हैं, और उसके बाद जो यही का ग्रीन कलर पिक करके थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि उस पर ऐड करने का, और यहाँ पर्पल। ओपेसिटी कम करते हैं। इसके बाद सभी का एक फोटो पे मर्ज कर लेते हैं, इसका ग्रुप बना लेते हैं। अभी इसका फिनिशिंग करना है, तो क्या कर सकते हैं, जो जो नॉइज है वो निकालना है। इस साइड में थोड़ा सा पर्पल कलर होना चाहिए। थोड़ा हल्का अभी A65 नंबर के ब्रश से एकदम स्ट्रेंथ कम करके कहीं कहीं नॉइस है उसको हम स्मज कर लेंगे। इतना हमने किया है और फोटो को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है। क्लीन किया है मतलब जहाँ जहाँ रह गया था नॉइज वगैरह था, तो मैंने वो क्लीन कर दिया है ताकि अपना फोटो साफ लगे। और अभी भी थोड़ा फोटो देखेंगे तो थोड़ा डार्क ही है, उसका फेस का ही खाली ब्राइटनेस बढ़ाएंगे कंट्रोल एल करके, थोड़ा इसको हम ब्राइट करेंगे। एकदम फीका था, अभी ये ब्राइट लग रहा है। इसका कलर बैलेंस कर देते थोड़ा सा स्काई ब्लू की तरफ, गालों पे थोड़ा हल्का सा पिंक ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा ग्लो लगे। बस इतना किया है। आपको फोटो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बोलिए, और इसे भी और अच्छा कर सकते हैं, या हो सकता है मैंने गड़बड़ी में ऐसा किया है, और अच्छा कर सकते हैं उसको, हाईलाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं आप। इसका ओरिजिनल फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो डाउनलोड करके आप ट्राई कीजिए, और आप बनाने के बाद मुझे, मैंने वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हैं। ओके, कमेंट जरूर कीजिए अच्छी लगी तो, और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।